नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबू जोशी नेवलकी में। साथियों, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे पहचान करें कि हमारी गाय 4 माह की प्रेग्नेंट हो चुकी है, यानी 4 मंथ की गाभिन गाय का हम पहचान कैसे कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, मेरी गाय जो 4 माह की गाभिन है, मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण आप पहचान करके या आसानी से पता लगा पाओगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक सुझाव यह देना चाहता हूँ कि अगर आप AI करवाते हैं या आप क्रॉस करवाते हैं सांड के माध्यम से, तो सबसे पहले तो आप तारीख या आप दिनांक नोट जरूर कर लें, क्योंकि जब आप डेट लिख लेते हैं कि हमारी गाय इस दिन को प्रेग्नेंट हुई है, तो इससे क्या होता है कि हम आसानी से हमारे पशु को जब भी कोई दिक्कत आए या जब भी हमें डिबोरिंग करवानी हो, तो उस हिसाब से प्रेग्नेंट के हिसाब से या बिना प्रेग्नेंट के हिसाब से हम उसको दवा वगैरह दे देते हैं। और साथ ही कोई गंभीर बीमारी हो तो उस समय भी यह बात अवश्य काम आती है। और साथ ही ड्राई पीरियड पर जब हम हमारे पशु को छोड़ते हैं 2 माह लगभग, तो उस समय अगर हमें पुख्ता यह हो कि हमारी गाय 7 माह की प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसके बाद अगर हम ड्राई पीरियड पर छोड़ते हैं तो आगे समस्या नहीं आती है। कई बार पशुपालक को पता नहीं होता, वो दूध निकालता रहता है, और उसके बाद जब अचानक से पशु ब्यांत पर आ जाता है तो फिर आगे के लिए पशु है वो दूध कम देता है अगले ब्यांत में, और साथ ही जेर गिरने में भी समस्या रहती है, और साथ ही पशु हीट में आता तो है लेकिन रिपीट होने की भी समस्या रहती है। तो ऐसे में अनेकों समस्याएं बन जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 4 माह की गाभिन गाय की हम पहचान घर पर आसानी से बिना डॉक्टर की सहायता से कैसे कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली ये गाय आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो अचफ गाय है, इसका देखिए, सबसे पहले अगर हम यह देखें तो हमारी जो गाय है उसका सिद्धांत बड़ा सरल हो जाएगा, क्योंकि जब तक पशु 3 माह का गाभिन होता है तब तक उसमें सरलता तो ज़रूर आ जाती है, उसका जो सिद्धांत है वो थोड़ा सरल स्वभाव का हो जाता है। लेकिन जब 4 माह की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद उस सरलता में और अधिक इजाफा होता है और पशु एकदम शांत स्वभाव का हो जाता है। जैसा कि आप इस गाय को देख रहे हो, देखिए बिल्कुल सरल और सीधे स्वभाव की है और दूसरे पशु को परेशान नहीं करेगी। यह भी आप ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की ऐसी हरकत नहीं करेगी पशु जिससे यह लगे कि हमारा जो पशु है वह पता नहीं है या गाभिन नहीं है। देखिए, और साथ ही ये जो उभारा आपको दिखाई दे रहा है पेट का, ये थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, यहाँ से ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ लटकता हुआ दिखाई देगा, और ये जो गड्ढा है ना, ये ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गड्ढा बना है, और धीरे धीरे ये जगह थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे थोड़ा गैप पड़ता जाएगा, और यहाँ से पेट है वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे यहाँ से ये उभारा आपको बाहर की तरफ दिखाई देगा। हालांकि थनों के माध्यम से अगर हम देखें तो थनों से तो हम ज़्यादा यह नहीं बता सकते कि किस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि हमारी गाय 4 माह की प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन जब हम हमारे पशु का दूध निकालें तो दूध प्रॉपर एक जैसा देती रहेगी पशु। जब तक हमारा पशु 3 महीने का गाभिन रहता है तब तक तो हमारा पशु दूध कम ज़्यादा करता रहेगा, लेकिन जब 4 माह का गाभिन हो जाए तब 7 माह तक यानी अगले 3 महीने तक एक जैसा दूध प्रॉपर आप फीड एक जैसा दे रहे हो, तो उस हिसाब से दूध भी एक जैसा बना रहेगा, दूध के अंदर किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही देखिए, इसका स्वभाव तो सरल हो ही हो जाएगा, साथ में इसका जो खान पान रहेगा, इसकी जो भूख रहेगी वह थोड़ी सी आपको उसके अंदर आपको बढ़ोतरी होती हुई नज़र आएगी, जो 3 माह की जब प्रेग्नेंट थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको यह भूख करती हुई दिखाई देगी, यह भी आप हमेशा गौर रखना। और साथ ही इस पशु का जो देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार का अगर पीछे का हम पार्ट देखें, यहाँ वेजेना पार्ट की अगर हम बात करें, तो जब 4 माह का पशु गाभिन रहेगा तो यहाँ से एकदम आपको ड्राई दिखाई देगा, सूखापन दिखाई देगा, किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देगी, और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा खुलापन होता हुआ नज़र आएगा, यहाँ पे आपको अभी एकदम सूखापन है, यहाँ देखिए आप वेजेना पार्ट में, तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे 7 माह की जैसे जैसे गाभिन होगी तो यहाँ पर वेजेना पार्ट में आपको हल्का सा फुलाव नज़र आएगा, और साथ ही ये पीछे का जो पार्ट है ये थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आएगा, और थनों के अंदर आपको हल्की चमक है वो दिखाई देने लगेगी। लेकिन इस समय जब 4 माह की गाभिन हमारी गाय रहेगी तो एकदम सरल सिद्धांत की रहेगी, भूख थोड़ी सी बढ़ाएगी, और साथ ही अगर आपने इसे प्रॉपर पेट की कीड़ों की दवा दी है तो आप देखेंगे कि सुबह सुबह जब खाली पेट आप गौर फरमाएंगे तो आपको बच्चा भी थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये चीज़ आप प्रैक्टिकली अगर आप अपने पशु की अच्छी खासी देखभाल करते हो और आप अपनी पशुशाला के अंदर ही रहते हो ज़्यादातर,
तो आप आसानी से यह भी पता लगा सकते हो, बच्चे की मूवमेंट है उसको भी आप देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।